दोस्तों, अगर आप स्पोर्ट्स के फैन हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स कैन को और दबाई उस बेल आइकन को ताकि आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड न्यूज मिले सबसे पहले। दोस्तों, आईपीएल 2022 का फाइनल मुकाबला गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स टीम के बीच आज अहमदाबाद के सांदर स्टेडियम में खेला जा चुका है। तो हम आपको बता दें कि ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक भरा खेला गया, जिसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि राजस्थान की टीम ने तो जितकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के प्लेइंग 11 जो कि वो हमें आज के महा मुकाबले में खेलते हुए दिखी थी। तो हम आपको बता दें कि हमें राजस्थान टीम की तरफ से खेलते हुए देखे थे सांदर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, दूसरे नंबर पे आते जॉस बटलर, तीसरे नंबर पे आते संजू सैमसन, चौथे नंबर पे आते देवदत्त पेडिकल, पांचवें नंबर पे आते सिमर हिटमायर, छठे नंबर पे आते रविचंद्र अश्विन, सातवें नंबर पे आते रियान पराग, आठवें नंबर पे आते ट्रेंट बोल्ट, नौवें नंबर पे आते ओबिट मिकोए, दसवें नंबर पे आते प्रीतन कृष्णन, जबकि ग्यारहवें नंबर पे आते यूवी चहल। और वहीं बात की गुजरात टाइटंस टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, तो वहां पे हमें खेलते हुए देखे थे सांदर बल्लेबाज वृद्धिमान साहा, दूसरे नंबर पे आते सुमन गिल, तीसरे नंबर पे आते मैथ्यू वेड, चौथे नंबर पे आते हार्दिक पांड्या, पांचवें नंबर पे आते डेविड मिलर, छठे नंबर पे आते राहुल तेवतिया, सातवें नंबर पे आते राशिद खान, आठवें नंबर पे आते आरसाई किशोर, नौवें नंबर पे आते लॉकी फर्गुसन, दसवें नंबर पे आते मोहम्मद समी, जबकि ग्यारहवें नंबर पे आते यश दयाल। दोस्तों, दोनों टीमों के प्लेइंग 11 थी जो कि वो हमें आज के महा मुकाबले में खेलते हुए दिखी थी। तो चलिए अब देख लेते हैं इस मुकाबले की फुल हाइलाइट्स। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें राजस्थान टीम की बल्लेबाजी के बारे में, तो हम आपको बता दें कि आज के महा मुकाबले में राजस्थान टीम ने बहुत ही शानदार शुरुआत करी थी, जिसमें हमें शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली थी जायसवाल और जॉस बटलर की तरफ से। तो हम आपको बता दें कि जायसवाल ने आज के मुकाबले में 16 बॉल खेली, जिसमें एक चौके जबकि दो शानदार छक्के की मदद से 22 रन बनाए थे, लेकिन बाद में कि उनका विकेट यश दयाल ने ले लिया था। वहीं बात के जॉस बटलर की, तो जैसे कि आप लोग जानते कि पिछले दो मुकाबले में जॉस बटलर ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करी थी और वो आज के मुकाबले भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन बाद में कि उनका विकेट भी जल्दी गिर गया था, जिसमें हम आपको बता दें कि जॉस बटलर ने आज के मुकाबले में 35 बॉल खेली, जिसमें 5 चौके की मदद से 39 बना सके, लेकिन बाद में कि उनका विकेट भी हार्दिक पांड्या ने ले लिया था। वहीं बात की संजू सैमसन की, तो हम आपको बता दें कि आज के मुकाबले में संजू का बल्ला नहीं चला और बहुत जल्दी आउट हो गए। तो हम आपको बता दें कि सैमसन ने आज के मुकाबले में 11 बॉल खेली, जिसमें 2 चौके की मदद से सिर्फ 14 रन बना सके। दोस्तों, इनका विकेट भी हार्दिक पांड्या ने ले लिया था। वहीं बात की देवदत्त पेडिकल की, तो देवदत्त पेडिकल का आज का बल्ला बिल्कुल भी नहीं चला और वो आज के मुकाबले में बहुत ही स्लो रहे और टीम की तरफ से बहुत ही खराब बल्लेबाजी करी है, जिसमें हम आपको बता दें कि देवदत्त ने आज के मुकाबले में 10 बॉल खेली, जिसमें 2 रन बना सके। दोस्तों, इनका विकेट भी राशिद खान ने ले लिया था। वहीं बात की हेटमार की, तो हेटमार का बल्ला भी आज नहीं चला और वही बहुत जल्दी आउट हो गए। तो हम आपको बता दें कि हेटमार ने आज के मुकाबले में 12 बॉल खेली, जिसमें 2 चौके की वजह से सिर्फ 11 रन बना सके। दोस्तों, इनका विकेट भी हार्दिक पांड्या ने ले लिया था। दोस्तों, इसके बाद बैटिंग थे रविचंद्र अश्विन, तो हम आपको बता दें कि अश्विन ने आज के मुकाबले में 9 बॉल खेली, जिसमें 6 रन बना सके। दोस्तों, इनका विकेट आरसाई किशोर ने ले लिया था। वहीं बात की रियान पराग की, तो हम आपको बता दें कि आज के मुकाबले भी रियान पराग को मौका मिला था, लेकिन वो उस मुकाबले में भी खराब बल्लेबाजी करते हुए दिखे हैं, जिसमें हम आपको बता दें कि रियान पराग ने आज के मुकाबले में 15 बॉल खेली, जिसमें सिर्फ 1 चौकी की मदद से सिर्फ 15 रन बना सके, लेकिन बाद में कि उनका विकेट मोहम्मद समी ने ले लिया था। दोस्तों, वहीं बात की ट्रेंट बोल्ट की, तो ट्रेंट बोल्ट ने आज के मुकाबले में अंत में एक शानदार शॉट लगाया था, लेकिन बाद में कि उनका विकेट भी जल्दी गिर गया था, जिसमें हम आपको बता दें कि बोल्ट ने आज के मुकाबले में 7 बॉल खेली, जिसमें 1 छक्के की वजह से सिर्फ 11 रन बना सके। दोस्तों, इनका विकेट भी आरसाई किशोर ने ले लिया था। दोस्तों, जिसके चलते राजस्थान की टीम ने 20 ओवर में सिर्फ 130 रन बनाए थे, जिसमें हमें गुजरात टीम की तरफ से शानदार बॉलिंग देखने को मिली थी हार्दिक पांड्या की तरफ से, जिसमें उन्होंने अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा 3 विकेट लिए थे।